In the two eyebrows. Remaining two fingers, that is this one small finger and ring finger to the left nostril. Ye position ho gaya hamara. This is the position. Is position mein kya karna hai hame? Breathing ka jo technique hai, first dono nasika se, both the nostrils se hum saans lenge. We breathe in, close the left nostril and breathe out from the right. Now we will take the breath from the right nostril and exhale from the left. Again we will take the breathing from the left, exhale from the right. ये प्रोसेस जारी रखेंगे विद द क्लोज आई अल्टरनेट ब्रीथिंग 9 राउंड्स ब्रीथिंग फ्रॉम द लेफ्ट एक्सहेल फ्रॉम द राइट धीरे धीरे गहरी गहरी सांस लेते जाएंगे गहरी गहरी सांस लेते जाएंगे ब्रीथ इन फ्रॉम अल्टरनेट नॉस्टिल एंड एक्सहेल नए सांसों पे हम रखेंगे हम पूरा ध्यान हमारे सांसों पे रहेगा Between the two eyebrows. जैसे हम गुलाब के फूलों को पंखुड़ियों को सुनते हैं ठीक उसी प्रकार हमें सांस को लेते रहना है with the alternate nostrils. Now just relax, relax हो जाएंगे, आंखें बंद ही रखेंगे और दोनों हाथों को खुले सीलिंग की तरफ, आसमान की तरफ अपने लैप्स पे रखेंगे and feel the sensation in your body. धीरे-धीरे जो आपने सांस ली, उस सांस को महसूस करते रहेंगे. आपके बॉडी में जो एनर्जी ऊर्जा स्थापित हुई है जस्ट फील दैट एनर्जी इन योर बॉडी जो श्वास धीरे धीरे चल रहा है नाभि से लेके सर की तरफ और उसके बाद वापस से बाहर जा रहा है अंदर आती हुई सांस आपको ऊर्जा प्रदान कर रही है और बाहर जाती हुई सांस आपको रिलैक्स कर रही है पूरी बॉडी आपकी काफी रिलैक्स हो रही है यू आर फीलिंग वेरी मच पीसफुल फ्रॉम इनसाइड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीथिंग दिस वॉज अ नाड़ी शोधन प्राणायाम जब भी आपको ठीक लगे आप अपनी आंखें खोल सकते हो नाड़ी शोधन प्राणायाम The benefit is that whenever you feel distracted, जब भी आपको लग रहा है कि आपका दिमाग थोड़ा यहाँ वहाँ जा रहा है और आपको बहुत important कुछ planning करनी है जैसे कि आपको operation करने जाना है but आप इस mind में आपका दिमाग थोड़ा disturb लगा हुआ है तो आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हो